आज हम लोग जा रहे हैं साउथ गोवा की इको प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। और जो प्रॉपर्टी आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मडगांव रेलवे स्टेशन, जो इस प्रॉपर्टी से अराउंड 9 किलोमीटर है। हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और यह है बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटा सा रिसेप्शन एरिया है, तो हम लोग पहले चेक इन की फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। और वेलकम ड्रिंक में हमें मिला है कोकोनट वाटर, अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है इनका वेलकम ड्रिंक। ये रिजॉर्ट का वेटिंग एरिया और रेस्टोरेंट भी है। आज का हमारा स्टेकेशन है निर्वाणा हिल रिजॉर्ट। ये प्रॉपर्टी मडगांव स्टेशन के पास है और ये लेक फेसिंग प्रॉपर्टी है। इसके पास में चर्च भी है और जो हमारा रूम है यहाँ से लेक और चर्च दोनों दिखता है। ये प्रॉपर्टी फॉरेस्ट के अंदर है, फुल्ली सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी। तो अगर आप लोग एक नेचर लवर है तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी हम लोग फटाफट से रूम टूर करते हैं, चलो। जैसे ही आप लोग रूम में एंटर करते हैं, आपको कॉर्नर साइड में एक सिटिंग एरिया मिलेगा, किंग साइज बेड, एसी और यहाँ पर विंडो है, वर्किंग टेबल एंड चेयर, टी कॉफी मेकर, मिनी फ्रिज में बेवरेजेस और कुछ चॉकलेट्स हैं, बट ये सब चार्जेबल बेसिस पे है। यहाँ पर सबकी प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे योगा मैट दिया है तो आप लोग योगा भी कर सकते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में। मिरर, और मिरर के अपोजिट में है वॉशरूम। अब आता है हमारे कॉटेज का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, लेट्स चेक इट आउट। प्राइवेट स्विमिंग पूल, रूम के बाहर यहाँ पे सिट आउट एरिया है। और जो हमारा कॉटेज है वो लेक फेसिंग कॉटेज है, तो यहाँ से लेक और चर्च दोनों दिखता है। इनफैक्ट इवनिंग में आप लोग बर्ड वॉचिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी अपने कॉटेज से। इस कॉटेज के लिए हमने पे किया है 8,000 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल टैक्सेस। कॉटेज के बाहर छोटा सा गार्डन एरिया है, तो यहाँ पर आप लोग चिल कर सकते हैं। इट्स पूल टाइम, और प्राइवेट पूल का तो मजा ही अलग है। यहाँ पर लंच का टाइमिंग 12 PM टू 2:30 PM है और डिनर अराउंड 6:30 के बाद चालू होता है। बीच में इनका जो रेस्टोरेंट है वो बंद रहता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं 6:30 हो गया है, थोड़ा बाहर वॉक करेंगे और डायरेक्ट हम लोग डिनर करके आएंगे। चलो, ये प्रॉपर्टी के अंदर कॉमन पूल एरिया है, चिल्ड्रन के लिए अलग है और एडल्ट्स के लिए अलग है, और काफी यूज भी है। ये पूल के साइड में बार है, तो आप लोग पूल के साथ में ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पे पार्टीज भी होती हैं। Two hours later. पूरा जंगल में, आप मेरे बैग में देख सकते हो, पूरा जंगल है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और प्रॉपर्टी में लाइट्स चालू हो गई है। यहाँ पर कॉटेजेस के ऊपर भी लाइट्स लगाई है, तो काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पे और भी काफी सारे कॉटेजेस हैं, पाइन वुडन कॉटेज, सीना स्टोन कॉटेज, मैंगो वुडन कॉटेज, ट्री कॉटेज विथ प्लंज पूल, और भी काफी कॉटेजेस हैं, विरिडियन कॉटेज विथ जकूजी।
हमने कॉटेज बुक किया था वो किया था गो आईबीओ से। और जो प्राइस है वो कॉटेजेस की वेरी करती है। स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 4000 से है और प्राइस ऑफ सीजन और पीक सीजन में भी वेरी करती है। खाना यहाँ का मुझे ओके टाइप लगा, और भी अच्छा हो सकता था, बट डेफिनेटली डेजर्ट काफ़ी यम है। डेजर्ट में मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम विथ लीची, मज़ा आ गया। खाना खा के हो गया है, फुल हो गया पेट, अभी हम लोग बस अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लाइटनिंग किया हुआ है चारों तरफ। मस्त लग रहा है ना। The next day. Good morning guys. आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमारे रूम से सनराइज दिखता है और लेक से उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है। कलरफुल से कितना क्यूट लग रहा है। अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और बुफे है। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। बेस्ट। ये यहाँ के पेट डॉग्स हैं और बहुत नॉटी है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और ये प्रॉपर्टी काफी ह्यूज है। कल हमने रात को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि अंधेरा हो गया था और ये जंगल के बीच में बनाई है। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, काफी अच्छा लग रहा है। सूथिंग एनवायरनमेंट है और स्विंग भी है, तो इस नेचर के बीच में उसका मजा लेते हैं। और ये है बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया। नेचर से क्लोज रहने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। सोशल मीडिया के लिए आप लोग यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स और वीडियोस ले सकते हो। नेचर के बीच में ये सिट आउट्स भी बनाए हैं, यहाँ पर आप लोग आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सुंदर सा बड़ा फूल मिला है बट मुझे इसका नाम नहीं पता। यहाँ पे हमें काफी सारे जैक फ्रूट्स के ट्रीज भी दिखे हैं। प्रॉपर्टी में काफी डक्स को भी रखा है और यहाँ पे हमें क्यूट से डकलिंग्स मिले हैं। कुछ डकलिंग्स अपनी मम्मा के ऊपर भी बैठे हुए हैं, काफी क्यूट लग रहे हैं।
गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और बस अभी चेकआउट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा स्टेकेशन काफ़ी अच्छा रहा, ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। हमारा जो कॉटेज है ये प्राइवेट पूल के साथ है, इसके लिए हमने पे किया है 8,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल टैक्सेस। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉटेजेस हैं। फूड की बात करें तो फूड टेस्ट वाइज हमें ऑन एवरेज लगा। ये प्रॉपर्टी एकदम जंगल के बीच में है तो पिक्स और वीडियोज़ काफ़ी अच्छी आती है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।